Hello everyone, hope you all are doing very good. Welcome back. So today I am here before you with an another theory of personality that is Isaac's theory of personality. And this is come under type come trait approach. Okay. Earlier we had type approach, trait approach, humanism approach, and this theory is come under type come trait approach.

ट्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है यानी कि उसके जो जेनेटिक ट्रेड्स हैं वही उसकी पर्सनैलिटी की फाउंडेशन है यानी कि उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करते हैं उसके जेनेटिक ट्रेड्स आई ने एक बायोफिजिकल अप्रोच यूज़ की पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करने के लिए जिसमें उन्होंने जेनेटिक्स साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स सबको इंक्लूड किया बट उन्होंने जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको कम इम्पोर्टेंस दी और बायोलॉजिकल फैक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी यानी कि जेनेटिक ट्रेड्स को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी किसी भी पर्सन person की पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए कि जो पर्सन के बायोलॉजिकल ट्रेड्स होते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं एंड सोशल फैक्टर्स होते हैं वही डिटरमिन करते हैं उसके बिहेवियर को यानी कि इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वही डिटरमिन करता है कि पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरीके की होगी आइसेंग ने क्या किया एक हेरारकी का यूज़ किया ठीक है हरारकी में उन्होंने क्या किया सबसे नीचे लोअर लेवल पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को रखा किसी भी सिचुएशन में कोई भी पर्सन एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है वो उन्होंने सबसे लोअर लेवल पे रखा नेक्स्ट लेवल पे उन्होंने हैबिचुअल रिस्पॉन्स को कंसिडर किया जो कि किसी भी पर्सन की हैबिट्स होती हैं उनको उन्होंने हबिचुअल रिस्पॉन्स का नाम दिया फिर अगर जो हैबिचुअल रिस्पॉन्स थे उनके जो रिलेटिव ट्रेड्स होते हैं वो उन्होंने अपने थर्ड लेवल पे कंसिडर किए ठीक है उस हैबिट के फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पर्सन की हैबिट है उससे जो उसके रिलेटेड ट्रेड्स हैं उनको थर्ड लेवल पे कंसिडर किया गया फिर जो रिलेटिव ट्रेड्स आए उनमें जो डोमिनेटिंग ट्रेड्स थे यानी जिनका परसेंटेज ज़्यादा है उनको उन्होंने एक पर्सनैलिटी टाइप में कंक्लूड कर दिया ठीक है चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स थे उसमें उन्होंने लिया ब्लशिंग एंड स्माइलिंग ये सिचुएशनल हो सकती है और कॉमन हो सकती है सिचुएशनल भी है और कॉमन भी है कि कोई भी पर्सन जो अगर उसे खुशी होती है तो वो स्माइल करता है या ब्लश करता है नेक्स्ट लेवल पे उन्होंने लिया हैबिचुअल रिस्पॉन्स ये क्या होती है पर्सन की हैबिट्स होती है लाइक like कई पर्सन की ये हैबिट होती है कि दे फील हेजिटेशन वाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर मतलब किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने में वो हेजिटेट फील करते हैं या फिर वो क्वाइट रहते हैं वो किसी से ओपनली बात नहीं कर पाते हैं अब थर्ड टायर में उन्होंने क्या किया जो उनके हेबिचुअल रिस्पॉन्स थे उनसे रिलेटिव ट्रेड्स को कंसिडर किया लाइक शाइनेस, रिजिडिटी हो सकती है किसी पर्सन की कि मैं नहीं बात करता स्ट्रेंजर से परसिस्टेंसी इरिटेबिलिटी सब उन्होंने रिलेटिव ट्रेड्स कंसिडर किए जो पर्सन की हैबिचुअल रिस्पॉन्स थे उनके साथ फिर जो रिलेटिव ट्रेड्स कंक्लूड किए गए उनको उन्होंने कंक्लूड किया एक सिंगल पर्सनालिटी टाइप दैट इज इंट्रोवर्ड ये उनका एक हेरारिकल मॉडल था जो उन्होंने डिफाइन किया किसी भी पर्सन person की पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए ठीक है आगे उन्होंने पर्सनालिटी के तीन डायमेंशंस दिए ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चनर उन्होंने एक क्वेश्चनर बनाया जिसके बेसिस पे वो पर्सनालिटी को डिफाइन करते थे और उसमें तीन डायमेंशन का यूज करते थे इसीलिए इसको थ्री फैक्टर पर्सनालिटी थ्योरी भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने थ्री डायमेंशन इसमें यूज़ किए थे तो जो फर्स्ट डायमेंशन था वो था एक्स्ट्रा वर्जन इंड इज न्यूरोटिज्म एंड थर्ड इज साइकोटिज्म क्वेश्चनर्स के बेसिस पे जो टेस्ट कंडक्ट्स किए गए उसमें एक्स्ट्रा वर्जन में अगर पर्सन हाई स्कोर करता है तो वो पर्सन एक्स्ट्रोवर्ट होगा और अगर लो स्कोर करता है तो वो पर्सन इंट्रोवर्ट होगा एक्स्ट्रोवर्ट की जो पर्सनैलिटी उन्होंने डिफाइन की कि पर्सन सोशलेवल होगा इम्पल्सिव होगा ऑप्टिमिस्टिक होगा और आउट गोइंग होगा इंट्रोवर्ड में उन्होंने डिफाइन किया कि रिजिड होगा एंटी सोशल होगा इंट्रोस्पेक्टिव यानी कि अपने ही अंदर वो अपनी इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अपने बिहेवियर को एनालिसिस करेगा रिजर्व्ड होगा और वेल ऑर्गेनाइज होगा तो ये हो गया एक्स्ट्रा वर्जन डायमेंशन जो उन्होंने डिफाइन किया था सो so, इसमें दो तरह के पर्सनैलिटी टाइप निकल के आए एक्स्ट्रोवर्ड एंड इंट्रोवर्ट ठीक है सो नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने लिया है न्यूरोटिसिज्म न्यूरोटिसिज्म में क्या होता है कि अगर पर्सन हाई स्कोर करता है तो वो पर्सन इमोशनली अनस्टेबल होता है और इमोशनली अनस्टेबल के करेक्टरिस्टिक्स जो उन्होंने बताए हुए है कि वो मूडी होता है टची होता है रेस्टलेस रहता है और एंश हर एक सिचुएशन में उसको जल्दी एनजाइटी हो जाती है इसके दूसरी साइड पर अगर हम देखें अगर पर्सन न्यूरोटिसिज्म में कम स्कोर करता है तो वो पर्सन इमोशनली स्टेबल रहता है और उसकी क्या करेक्ट्रिस्टिक्स होती हैं वो काम रहता है इवन टेम्पर्ड यानी कि उसको जल्दी से गुस्सा नहीं आता केयर फ्री रहते हैं ऐसे लोग और डिपेंडेबल होते हैं दूसरों पे सो so ये था उनका न्यूरोटिसिजम जो कि सेकेंड डायमेंशन उन्होंने मेंशन किया पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए इसमें दो तरह के पर्सनैलिटी टाइप इन्होंने लिए एक तो न्यूरोटिक जिसको हम इमोशनली अनस्टेबल बोलते हैं एंड दूसरा इमोशनली स्टेबल पर्सन नेक्स्ट डायमेंशन मैंशन यहाँ पर उन्होंने लिया साइकोटिज्म नाउ अब साइकोटिक पर्सन कौन होता है जो कि एंटी सोशल होता है ठीक है जो रिजर्व रहता है जो आइसोलेटेड रहता है उसको साइकोटिक बोलते हैं ठीक है तो इसमें जो दो पर्सनैलिटी टाइप उन्होंने डिफाइन किए वो थे एंटी सोशल एंड सोशलेबल यानी कि साइकोटिक वर्सेज सोशलेबल ठीक है तो जो अगर पर्सन साइकोटिज्म में हाई स्कोर करता है तो वो पर्सन एंटी सोशल होगा और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी वो इम्पल्सिव होगा ईगो सेंट्रिक मतलब उसकी जो दुनिया है सिर्फ उसी के आसपास रिवॉल्व करेगी अपोज टू चेंज यानी कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और इनसेंसिटिव होगा और अगर इसी का सेकंड साइड हम देखें तो वो पर्सन अगर सोशलेबल होता है तो उसकी करेक्ट्रिस्टिक्स होती हैं कि वो एम्पेथेटिक होता है और बोल्ड होता है ठीक है तो ये था उनका साइकोटिज्म डायमेंशन जिसमें दो तरह के पर्सनैलिटी ट्रेट्स है साइकोटिक वर्सेज़ सोशलेबल यानी कि एंटी सोशल वर्सेज सोशलेबल सो फ्रेंड्स दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा और अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाइएगा एंड डू सब्सक्राइब विद दिय वैन्यू फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन द फ्यूचर थैंक यू सो मच